कि इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए हैं। मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। लाखों मुसलमान नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ हैं। आम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए हैं। मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गई हैं। लाहौर, फैसलाबाद, कराची और इस्लामाबाद में भी नमाज ईद अदा की गई। पूरी कौम को एबीएन न्यूज़ की जानिब से ईद उल अज़हा की खसूसी तौर पर मुबारकबाद। आपको बताएं, लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई हैं और पूरी कौम ने इस हवाले से दुआ की है कि मुल्क में अमन और सलामती हो और सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। इस्लामाबाद से जानते हैं नमाज ईद के इज्तिमात के मुताबिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा वकार सलीम। जी वकार सलीम, बताइएगा। जी, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा नमाज ईद का इज्तिमा हुआ वो शाह फैसल मस्जिद हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो शहरियों की तादाद थी वो नमाज ईद की अदायगी के लिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद थी। आज 10 जिलहज और ये ईद कुर्बान भी है। शहरी नमाज ईद से बिल्कुल अपने घरों की तरफ रवान दवा हो चुके हैं। अब बिल्कुल अपनी जो ईद कुर्बान के मवेशी हैं उनको अल्लाह ताला की राह में उन्हें कुर्बान करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के नहायत सख्त तरीन इंतजाम थे, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज एक बहुत बड़ी तादाद में आई थी और शहरी अपने दोस्तों के हमराह बहुत बड़ी तादाद में आए थे, तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी थी वो नहायत सख्त और अलर्ट की गई थी। इस्लामाबाद के